Dear student, assalamu alaikum. Welcome to your English online class 5. Students, I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Student, today we started chapter 10, A Visit from Australia. Exercise B, regular and irregular nouns. Use 5 irregular नाउंस एंड सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ये इरेगुलर नाउंस दिए गए हैं आपको और आपने इनको सेंटेंसेस में इसके सेंटेंसेस बनाने हैं. सॉरी, फीट, दे हैव डर्टी फीट. हेयर, ही हैज़ ब्लाउंड हेयर, ही हैज़ ब्राउन हेयर. ये भी आप कर सकते हैं. कैटल, मवेशी. कैटल वर ग्रेजिंग इन द मिडोज. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है शीप. शीप, ही राइसिस शीप. क्या है? भेड़. ही राइसिस शीप एट हिज फॉर्म. टीथ, आई ब्रश माई टीथ ट्विस इन अ डे. नेक्स्ट एक्सरसाइज है ई. पैसिव वॉइस हैं और आपने हैव बीन प्लस पास्ट टेंस यूज करना है. स्टूडेंट्स, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंसेस इंटू पैसिव सेंटेंसेस. ये आपको एक्टिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इनको पैसिव में चेंज करना है. माई फादर हैज़ बाउट आ कार. तो बाउट आ कार, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को आप स्टार्ट में लेके आएंगे और ओके स्टूडेंट्स, तो माई फादर हैज़ बाउट आ कार. तो आपको मैं एक रूल बता दूं कि पैसिव और एक्टिव वॉइस जो हैं इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ इज़ार है और सेकंड फॉर्म के साथ वॉज वर्ब. ठीक है, हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अ कार ऑब्जेक्ट स्टार्ट में, हैज़ बीन या हैव बीन हमने यूज़ करना था. तो हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर के साथ और हैव बीन जो है वो प्लूरल के साथ. तो कार्स नहीं है, तो यहाँ जस्ट कार है. अ कार हैज़ बीन बाउट बाय. बाउट 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 थर्ड फॉर्म है बाय, और वर्ब के बाद आपने बाय यूज़ करना है और जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ जाएगा. तो नेक्स्ट देखें, द बॉयज हैव वन फोर मैचेस. अब फोर मैचेस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ गया है. मैचेस, ठीक है, मैच फोर मैचेस. अब वन मैच नहीं है, दो टू हैं. ठीक है, टू और थ्री फोर ये प्लूरल्स हो जाएंगे. तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया? हैव बीन विन वन 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 बाय द बॉयज. ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई और उसके बाद आपने बाय यूज़ किया. बाय मस्ट यूज़ करना है वर्ब के बाद. नेक्स्ट है थर्ड, द लाइन हैज़ गाइडेड अ ज़ेब्रा. द अ ज़ेब्रा हैज़ बीन किल्ड. ठीक है, यहाँ किल आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है. ठीक है, किल्ड बाय द लाइन. द लाइन हैज़ किल अ ज़ेब्रा. ठीक है, तो आपने किल्ड यूज़ करना है. द पुलिस हैव कॉट मैनी थीव्स. मैनी थीव्स हैव बीन कॉट बाय द पुलिस. नेक्स्ट, द हंटर हैज़ हंटेड अ डियर. अ डियर हैज़ बीन हंटेड बाय अ हंटर. दे हैव इन्वाइटेड मैनी गेस्ट. अब मैनी गेस्ट, गेस्ट ज़्यादा हैं तो हैव बीन यूज़ होगा. इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म वर्ब है और उसके बाद बाय यूज़ होगा. दे को हम देम में चेंज कर देंगे. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है लेटर है राइट अ लेटर टू फादर फॉर मनी टू बाय बुक्स. आपने अपने फादर से पैसे लेने हैं और क्या ख़रीदने के लिए? बुक्स ख़रीदने के लिए. स्टूडेंट्स, कॉर्नर पे आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है पेज के और उसके बाद सी टी ए बी के बाद लाइन स्किप करनी है. ठीक है, और उन दोनों के दरमियान नहीं करनी. सी टी ए बी सी के बाद आपने लाइन स्किप करनी है और उसके बाद आपने डियर फादर कॉर्नर पे बिल्कुल सिक्वेंस में एक ही और उसके आगे आपने कॉमा लगाना है. फिर स्टार्ट करना है कॉमे के नीचे से ही. हेयर आई एम हेल एंड हर्टी एंड होपफुल टू अलमाइटी अल्लाह दैट यू विल बी आल्सो बी क्वाइट वेल. के उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के करम से ठीक होंगे. रिसेंटली आई हैव पास्ड द सिक्स क्लास एग्जामिनेशन. के मैंने रिसेंटली सिक्स क्लास का इम्तिहान पास किया है. आई स्टूड सेकेंड इन क्लास और मैं सेकेंड आया हूँ क्लास में. नाउ आई एम इन सेवन्थ क्लास. अब मैं सेवन्थ क्लास में हूँ.
आई हैव टू बाय सम बुक्स, मैंने कुछ बुक्स ख़रीदनी हैं एंड नोटबुक्स और नोटबुक्स, प्लीज़ सेंड मी एट लीस्ट 2,000 rupees बाय मनी ऑर्डर। तो मुझे कितने रुपीज़ सेंड कर दें, 2,000 rupees सेंड कर दें ताकि मैं अपनी बुक्स और नोटबुक्स खरीद सकूँ। नथिंग इज़ मोर टू पेन, पे माई रिकॉर्ड टू मदर एंड लव टू द ब्रदर एंड सिस्टर। तो उसके बाद आपने कॉर्नर पे ही, जहाँ जैसे एग्जामिनेशन हॉल लिखा आपने कॉर्नर पे, उसी के सीक्वेंस पे एक लाइन स्किप करनी है। उसके बाद ये जब पैराग्राफ आप कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपने लाइन स्किप करके योर लविंग सन और कॉमा एक्स वाई जी। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है डेफिनेशंस नाउन की और वर्ब की। व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, अ थिंग, एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। क्या आइडेंटिफाई करता है एक पर्सन को? कोई भी पर्सन, कोई चीज़, कोई आइडिया। और ये क्या होता है नाउन? पर्सन में अब कौन कौन आ जाता है? मैन, गर्ल, इंजीनियर, फ्रेंड, तो ये सब, पुलिस, तो ये सब कौन है? पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, थिंग में कोई भी चीज़ ले लें, चेयर, हॉर्स, वॉल, फ्लावर, कंट्री, टेबल, तो ये सब चीज़ें हैं कोई, तो ये क्या हो गया आपकी थिंग्स। एंड आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, जैसे भी कोई आइडिया हो, कोई क्वालिटी हो, कोई स्टेट हो कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप लकी हैं, तो ये क्वालिटी, आइडिया और स्टेट हैं। तो वो क्या है जो वर्ड को, कौन से वर्ड्स को आइडेंटिफाइज करती हैं? अ पर्सन, अ थिंग, एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, तो क्या है डिस्कार्ड अ नाउन। ओके नेक्स्ट है वर्ब। अ वर्ब डिस्क्राइब दैट व्हाट अ पर्सन और थिंग डज और व्हाट हैपन। ये वर्ब क्या डिस्क्राइब करता है? व्हाट अ पर्सन, एक पर्सन क्या, और थिंग डज और व्हाट हैपन, कि एक पर्सन क्या कर रहा है और ये क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ मेंशन की गई हो तो ये क्या चीज़ है और व्हाट हैपन। फॉर एग्जांपल वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन, एक एक्शन से भी डिफाइन किया जाता है वर्ब, एन इवेंट से भी डिफाइन किया जाता है और एक सिचुएशन से भी वर्ब को डिफाइन किया जाता है। बी, सीन, हैव, ये जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, तो ये एक क्या हो गया सिचुएशन। अ चेंज, इवॉल्व, श्रिंक, वर्डन। फॉर एग्जांपल अबाउट है ख़रीदना, हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो आपको मैं एक सेंटेंस बताती हूँ। माय फादर हैज़ बाउट अ कार, कि मेरे अब्बू ने कार ख़रीदी, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस सेंटेंस में बाउट को, फॉर्म ऑफ वर्ब को, वर्ब जो है वो बाउट है, बाय मीन्स ख़रीदना, बाउट जो है थर्ड फॉर्म है, तो मैं इस वर्ब को अगर मिस कर देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, माई फादर हैज़ अ कार, क्या माई फादर हैज़ अ कार, मेरे फादर ने एक कार क्या ख़रीदी या जो भी, तो ये हमें एक्शन या इवेंट, हमें कुछ सिचुएशन क्रिएट नहीं की गई। जब तक वर्ब नहीं होगा सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो फुल सेंटेंस जो है माई फादर हैज़ बाउट अ कार, मेरे अब्बू ने एक कार ख़रीदी, तो इस तरह ये जो फॉर्म वर्ब है कंप्लीट करता है एक सेंटेंस को। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।